वेलकम लर्नर्स आज इस वीडियो में हम कंपनी कंपनी की मीनिंग कंपनी क्या होती है उसके फीचर्स मेरिट्स एंड लिमिटेशंस को जानेंगे सो लेट्स स्टार्ट इसके पहले हमने सोल प्रोप्राइटरशिप जॉइंट हिंदू फैमिली पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव uh, सोसाइटी के बारे में जाना अगर आपको वो आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नाउ कम टू द टॉपिक मीनिंग ऑफ कंपनी कंपनी क्या होती है When a group of people which is incorporated under the Company Act nineteen fifty six but not twenty thirteen for earning profit is said to be company. Jab kuch logo ka group ek इनकॉर्पोरेटेड होता है मींस रजिस्टर्ड हो जाता है कंपनी लॉ नाइनटीन फिफ्टी सिक्स के तहत जो कि अब चेंज होकर के टू थाउजेंड थर्टीन हो गया है यानी कंपनी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन के तहत अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल इनकॉर्पोरेटेड होता है रजिस्टर्ड होता है बिज़नेस के पर्पस से और प्रॉफिट कमाने के मोटिव से तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को या बिज़नेस फॉर्म को कंपनी कहा जाता है ना कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाई लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी बट विथ अ पर्पीचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सीन नाओ कंपनी जो होता है उसका उसके मेंबर्स या उसके जो भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो उससे अलग होता है मीन्स ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है कंपनी इसकी अलग एक एंटिटी होती है जिसे डिफरेंस ये देखो पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो बिज़नेस होता है वो अलग एंटिटी नहीं होती है वो उसके पार्टनर्स का ही एक पार्ट होता है बट कंपनी में ऐसा नहीं होता है कंपनी के नाम पे ही आप मार्केट से लोन ले सकते हैं या शेयर्स बेचते हैं तो कंपनी के ही नाम पे बिकता है वो उसके मेंबर्स के नाम पे नहीं बिकता है वो ग्रुप ऑफ पीपल के नाम पे नहीं बिकता है बट पार्टनरशिप में अगर लोन लेना है या शेयर्स शेयर्स पार्टनरशिप में नहीं अगर लोन लेना है तो वो क्या करेंगे वो अपने नाम पे यानी जो पार्टनर्स है वो पार्टनर्स के नाम पे लेंगे लोन या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में भी जो इंडिविजुअल है जिसका वो बिजनेस है प्रॉपर वही अपने नाम पे ही लोन ले सकता है वो अपनी शॉप के नाम पे लोन नहीं ले सकता है इसी तरह से पार्टनरशिप में भी पार्टनरशिप के नाम पे लोन ना लेकर के उस पार्टनर्स के नाम पे लोन लिया जाता है बट इसमें कंपनी में क्या होता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी के नाम पे शेयर्स बिकते हैं मार्केट में लोन लिया जाता है और साथ ही साथ इसका परपीचुअल सक्सेशन होता है यानी एक के बाद एक इसके मालिक होते जाते हैं आज ये हैं तो कल वो होंगे मीन्स इसका जो लाइफ होता है वो कंटिन्यू कंटिन्यूस होता है नेवर एंडिंग होता है लाइफ मींस कंपनी चलते रहती हैं मेंबर्स आते रहते हैं और जाते रहते हैं लेकिन कंपनी गोज फॉर एवर मैन कम एंड गो बट कंपनी गोज फॉर एवर मीन्स उसके मेंबर आते जाते रहते हैं चेंज होते रहते हैं बट कंपनी हमेशा एग्जिस्ट करती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है केस उसको वो बैंक्रप्ट ना हो इंसॉल्वेंट ना हो ना साथ ही साथ उसका एक कॉमन सील भी होता है कंपनी का हर कंपनी का एक कॉमन सील होता है एक अपना जिस सील होता है जिस जो वो अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पे पुट करता है मींस अगर कोई कंपनी को सबसे पहले तो रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है कंपनी एक्ट नाइनटीन टू के तहत ना कंपनी uh, को रजिस्टर्ड कराने के टाइम वो कॉमन सील भी उसका होना चाहिए जो कि वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स uh, पे पुट करता है जिससे पता चलता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेटेड हैं कोई कॉपी uh, कोई ये नकली तो नहीं है ये उसी कंपनी के हैं उसी कंपनी से बिलोंग करते हैं इस बात का वो प्रूफ देता है ना फीचर्स ऑफ कंपनी पहला आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है एक उसको आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में देखा जाता है जिसके नाम पे आप शेयर्स बेचते हैं डिवेंचर्स बेचते हैं ना सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी जो होती है वो अपने मेंबर्स से सेपरेट होती है दोनों ज्वाइंट नहीं होता है पार्टनरशिप के केस में या सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में दोनों ज्वाइंट होते हैं बट कंपनी जो होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है परपीचुअल सक्सेशन मालिक एक के बाद एक आते रहते हैं लेकिन कंपनी गोज़ फॉर एवर कंपनी एंड नहीं करती है लिमिटेड लाइबिलिटी इसमें जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी एक हद तक लिमिट होती है मीन्स जितना उन्होंने शेयर परचेज किया है कंपनी में शेयर्स और डिबेंचर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो जब शेयर्स और डिबेंचर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है यानी शेयर्स और डिबेंचर्स को मार्केट में बेचा जाता है जिससे कंपनी जिसको लोग खरीदते हैं और जिससे कंपनी फ़ंड अपना रेस करती है मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स बिकेंगे उसके उतना ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ंड इकट्ठा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएगी तो इस तरह से जो मेंबर्स होते हैं शेयर्स ख़रीद के लोग कंपनी के मेंबर्स बन जाते हैं तो ना जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है उन्होंने जितना शेयर ख़रीदा है बस वही डूब सकता है उससे ज़्यादा एक्सटेंट तक उनकी लाइबिलिटी नहीं होती है अगर उन्हें हंड्रेड शेयर्स ख़रीदे हैं अगर उन्होंने वन लाख के शेयर्स ख़रीदे हैं तो वो वन लाख तक की ही लाइबिलिटी है उनकी उससे एक रुपये भी ज़्यादा नहीं या फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो उस बेसिस पे कुछ अजादा हो सकता है लेकिन जो भी तय है वही होगा उससे ज़्यादा नहीं होगा कॉमन सील कंपनी का एक कॉमन सील होता है जो कि वो हर अपने डॉक्यूमेंट पे यूज़ करती है ये प्रूफ देने के लिए कि कंपनी ऑथेंटिकेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑथेंटिकेटेड है उसी कंपनी के हैं नकली नहीं हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स जो भी शेयर्स ख़रीदते हैं मेंबर्स वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं मीन्स एक मेम्बर बेच सकता है शेयर्स को तो दूसरा उसको ख़रीद सकता है अगर आज मैंने शेयर्स खरीदा कल को मैंने बेच दिया तो उस शेयर्स को परसों तीसरा पर्सन खरीद लेगा तो इस तरह से शेयर्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़रेबल होते हैं आज मेरे पास कल उनके पास कल उनके पास ना सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट जो भी कंपनी का ओनरशिप होता है और जो भी मैनेजमेंट होता है वो अलग अलग होता है कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो सारे शेयर्स शेयर मेंबर्स शेयर होते हैं जितने भी लोगों ने शेयर इन्वेस्ट की, शेयर परचेज किया है अपना फंड इन्वेस्ट किया है उस कंपनी में वो सारे उसके ओनर कहलाते हैं भले ही टेन शेयर्स खरीदे हो भले ही वन शेयर खरीदा हो बट उसके वो ओनर लेकिन सारे के सारे मैनेजमेंट नहीं करते हैं मैनेजमेंट बस कुछ चुनिंदा लोग ही करते हैं उस कंपनी का जिनके शेयर्स हैवी मात्रा में परचेज किए हुए हों या फिर जो पहले से पहले से एम्प्लॉयड हो तो इस तरह से ओनरशिप और जो मैनेजमेंट होता है वो कंपनी का अलग अलग होता है नॉ मेरिट्स ऑफ कंपनी सबसे पहली मेरिट होती है कि लाइबिलिटी लिमिटेड होती है बाकी बिजनेस फॉर्म्स की तरह इसकी लाइबिलिटी बहुत ही लिमिटेड होती है जितना शेयर परचेज हुआ है उसी एक्सटेंट तक होती है शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़ आज हमें नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है तो मैं उस कंपनी का शेयर्स बेच सकती हूँ ठीक है तो इस तरह से शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटीज होती हैं कंटिन्यूटी होती है कंपनी मेन में कम एंड गो बट कंपनी रनस फॉर एवर ना स्कोप ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चूँकि कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट डिफरें शेयर होल्डर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिफरें डिफरें बैकग्राउंड से लोग आ रहे होते हैं उनके अच्छे अच्छे स्किल्स होते हैं तो इस तरह से कंपनी का ग्रोथ जो होता है वो ज़्यादा होता है और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में पहुँच करके वो अपना फ़ंड ज़्यादा से ज़्यादा रेज कर सकती है जिससे ज़्यादा उसका प्रोडक प्रोडक्शन बढ़ेगा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उसका एक्सपेंशन होगा ग्रोथ होगा ना इफिशियन मैनेजमेंट प्रॉपर स्किल्ड पर्सन अप्लाइड होते हैं कंपनी में उसके मैनेजमेंट के लिए क्योंकि ये एक बंदे की नहीं काम काम है इसमें बहुत से लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है बहुत से लोगों का भरोसा होता है कंपनी पे, तो उस भरोसे को बनाए रखने के लिए जनरल पब्लिक का पैसा ना डूबे बहुत ही स्किल्ड और इफ़िशियंट मैनेजमेंट होना चाहिए कंपनी का अदरवाइज कंपनी खत्म हो जाएगी कंपनी बैंक हो जाएगी नाउ लिमिटेशंस ऑफ कंपनी डिफिकल्टीज ऑन फॉर्मेशन चूँकि कंपनी को फॉर्मेशन करने के लिए बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है अनलाइक सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है क्योंकि इसके शेयर्स जनरल पब्लिक में जा रहे होते हैं तो जनरल पब्लिक खरीदने के पहले उसको कुछ भरोसा चाहिए कि हम आप पे कैसे भरोसा करें तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है कंपलसरी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेस फॉर्म्स तो इस वजह से कंपनी को फॉर्म करने में परेशानियां होती हैं लॉक ऑफ सक्रेसी चूँकि कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स सारे इम्पोर्टेंट uh, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्स जनरल पब्लिक में रिलीज़ होते हैं क्योंकि पब्लिक उनके शेयर्स को खरीद रही है और उस कंपनी की ओनर बन रही है तो सिक्रेसी जो होती है वो मेंटेन नहीं हो पाती है अब जनरल पब्लिक में रिलीज़ हो गया डॉक्यूमेंट तो काहे की सिक्रेसी सिक्रेसी कोई मेंटेन ही नहीं हो पाती है नाउ लैक ऑफ मोटिवेशन कभी कभी लोग शेयर्स ख़रीद करके मेंबर्स तो बहुत हो जाते हैं बट उनमें कोई मोटिवेशन नहीं होता वो शेयर्स ख़रीद के छोड़ दिए होते हैं वो उस कंपनी के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे होते हैं तो इस वजह से उनके एम्प्लॉयज़ में और कभी कभी शेयर्स पे अच्छे पैसे ना रिटर्न अच्छे रिटर्न न मिलने के कारण लोग मोटिवेट नहीं रह पाते हैं ज़्यादा समय तक के लिए एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी बहुत पूरी करनी पड़ती है साथ ही साथ कभी कभी गवर्नमेंट अगर शेयर ज़्यादा खरीद ली अगर मोर देन फिफ्टी परसेंट शेयर्स गवर्नमेंट के हाथ में है तो वो कंपनी गवर्नमेंट की हो जाती है जिस वजह से इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता है काफ़ी अगर प्राइवेट है तो भी उसमें गवर्नमेंट के कंट्रोल होते हैं क्योंकि ये पब्लिक की बात होती है इसमें पब्लिक के हित की बात होती है तो गवर्नमेंट हमेशा एक नज़र बनाए रखती है कि कोई पब्लिक के साथ चीटिंग ना हो अनफेयर ना हो डिले इन डिसीज़न क्योंकि इतने सारे मेंबर्स होते हैं इतने सारे ओनर्स होते हैं तो डिसीज़न लेने में देरी होती है कन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर के बीच में कन्फ्लिक्ट होते रहता है इतने सारे लोग हैं सबकी अलग अलग सोच है सबके अलग अलग इंटरेस्ट है सबके अलग अलग चॉइसेस हैं जिसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट होना आम बात है सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर गेटिंग मोर सच वीडियोज़ थैंक यू